नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे में प्रदेश के उन सभी कोनों को छूने की कोशिश की जिससे जीत का लक्ष्य आसान हो जाए। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, उन्हें चुनाव के दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना इसके निर्देश दिए और उनमें ये विश्वास भरने की कोशिश की कि 65+ का लक्ष्य दूर नहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को 80 तक पहुंचा दिया जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा हो या ना भरा हो, लेकिन विरोधियों के पेशानी पर बल जरूर पड़ गए होंगे। लोकसभा में प्रचंड जीत से उत्साहित बीजेपी का फोकस अब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसे लेकर बाकायदा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीत के मंत्र का उद्घोष भी कर दिया, जिसे आगे बढ़ाया सीएम रघुवर दास ने, जो बीजेपी अब की बार 65 पार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतर रही थी। अब सीएम ने उसके लिए नया नारा अब की बार 80 पार कर दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत के मंत्र का उद्घोष किया है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार के साथ ही भाजपा विधानसभा चुनाव के रन में विधिवत कूद गई है। नड्डा इस बार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। 2 दिवसीय प्रवास पर झारखंड पहुंचे नड्डा ने शुक्रवार को लोहरदगा में दक्षिणी छोटा नागपुर के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के 65+ के लक्ष्य को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं को उनकी भूमिका का एहसास कराया। वही शनिवार को पलामू में उज्ज्वला दीदी के सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। पलामू प्रमंडल में बूथ शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के समक्ष पार्टी के चुनावी एजेंडे को स्पष्ट किया। उन्होंने संबोधन के क्रम में विशेष तौर पर अनुच्छेद 370 और 3 तलाक की चर्चा की। इसे लेकर विपक्षी दलों के रुख पर तंज भी कसे। जब आप जनता में जाएंगे 10 समस्याएं आएंगी, आपको 10 प्रश्न लोग पूछेंगे। सारे प्रश्नों को घुमाकर धारा 370 पर लाना है। सारे प्रश्नों को घुमाकर 3 तलाक पर लाना है। सारे प्रश्नों को घुमाकर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना पर लाना है। सारे प्रश्नों को घुमाकर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण में 1 रुपए पर 55 लाख 50 लाख की जमीन की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने के अधिकार पर लाना है। यह हमको समझना चाहिए, तब हम लीडर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है। वही प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने 65 पार का संकल्प दोहराया। अब की बार 65 पार का जो हम सब ने मिलकर के नारा दिया है, ये नारा झारखंड के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का नारा है। यह नारा झारखंड के प्रत्येक नागरिकों का नारा के रूप में हम आने वाले जनादेश को न केवल झारखंड में बल्कि देश में दुनिया में प्रस्तुत करें कि अब देश मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश से निकल पड़ा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का टास्क दिया। साथ ही कहा कि पार्टी की सेवा ही शिखर पर पहुंचा सकती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी माथुर ने कार्यकर्ताओं को योजना की निगरानी करने और 80+ सीट के साथ झारखंड में नया इतिहास बनाने को कहा। स्तर के कार्यकर्ता अपने जड़ को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत कर जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित की है, अब की बार 65 पार। तो माननीय हमारे माथुर जी ने हम सबको कहा 65 नहीं, उससे भी पार
हमें जाना। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के कार्यकर्ताओं में इतनी दमखम है कि वो 65 नहीं 80 पार कर भी कर सकते। चतरा में भी विकास संकल्प सभा में नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने साफ किया है कि विपक्ष के सवालों का जवाब बीजेपी के ऐतिहासिक फैसले, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से देना है। जाहिर है चुनाव में भाजपा संवेदनशील मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर हमलावर होगी। विपक्ष के हर वार के जवाब में भाजपा का चुनावी एजेंडा देश हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसले जैसे 3 तलाक, धारा 370 और विकास होगा। पलामू से न्यूज 11 के लिए अविनाश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश, न्यूज रूम से हम उनसे बातचीत करेंगे। राकेश, अभी की जो स्थिति है, जो अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के विश्वास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये 80 पार तक चला जाएगा, तो ये दरअसल चिंता का विषय विपक्ष के लिए होना चाहिए। 65 पार का लक्ष्य पहले से निर्धारित था, अगर 80 तक पहुंचने की बात हो रही है तो क्या ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस आपको दिखता है, या आपको लगता है कि ये विपक्ष को हैरान कर देने वाला आंकड़ा है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। आप अगर 80 प्लस की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष इसे जुमले के तौर पर ले रहा है। आज कांग्रेस से इसी मसले पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लगता है कि बीजेपी को बिहार से कुछ सीटें लेनी होगी, तो फिलहाल थोड़ी हास्पद लग रहा है विपक्ष को कि 80 प्लस जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो नारा पहले दिया गया था 65 प्लस का, उसको लेकर विपक्ष गंभीर है और अपने स्तर से विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो हालांकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है तो थोड़ी उनके गति में भी तेजी आई है। 2 तारीख को तमाम जिला अध्यक्षों के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होनी है। इसके अलावा जो 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको भी परमंडलीय स्तर पर उनको जिम्मेवारी सौंपने की बात कही जा रही है। तो कांग्रेस ने भी एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि तैयारी बहुत आप कह सकते हैं कि उम्दा नहीं है और थोड़ा लेट जरूर कांग्रेस चल रही है। बस राकेश, इस कंपैरिजन पे आना चाहता हूं। बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता यहां आते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और कार्यकर्ताओं का जोश देखते भी हैं। ये एक स्थिति है। आप देखेंगे कि खबरों में वो बने रहते हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं, उनके मंत्र क्या हैं, वो जीतेंगे किस तरह, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लगातार बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, प्रदेश के नेताओं का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम अपनी तरह से चीज़ों को, हम कह सकते हैं, बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। दूसरी तरफ आप विपक्ष की ओर चले जाएं तो दूर दराज के इलाकों में कहीं हेमंत सोरेन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके कवरेज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ दिखता नहीं है, ना उनके तरफ से ऐसा कुछ निकल कर आता है जिसकी चर्चा हो, ना उनके पास ऐसे कोई नारे हैं, ना उनके पास बताने के लिए कुछ है जिसको लेकर की चर्चा की जा सके, सिवाय इसके कि वो ये बताएं कि ये सरकार कहाँ फेल हो गई। इसके अलावा विपक्ष के पास क्या दिखता है आपको, क्योंकि ये तो बिकने वाला मामला है नहीं। कहने का मतलब ये है कि उनको कोई बाय नहीं करेगा उस आइडिया को कि आप सिर्फ एक सरकार में खोट बताएंगे और लोग आपको सरकार बदल कर आपके जिम्मे में दे देंगे कि साहब आप सरकार चला लीजिए। ये तो बिल्कुल विश्वास से परे है। उनके पास ऐसा क्या मंत्र आपको दिखता है, ऐसा क्या कुछ दिखता है? नहीं, देखिए विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश ज़रूर विपक्ष के तरफ से की जा रही है। खासतौर पर अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल वो संथाल की यात्रा पर हैं, इसके अलावा तमाम जो 4 परमंडल बच जाते हैं वहाँ भी बदलाव यात्रा वो करेंगे। लेकिन वो बात, वो बहुत सटीक चीज़ें जो विपक्ष के तरफ से विपक्ष को मजबूत करती है वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें तो अलग राग अलाप रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में लेट लतीफी है,
उनके अध्यक्ष बहुत लेट से चुने गए। एक जो बचा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो थोड़ा बहुत कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन एक अकेले की कोशिश से आप बीजेपी जैसे बड़े दल को रोक नहीं पाएंगे। तो जाहिर तौर पर एकजुटता दिखानी होगी, एकजुटता की कोशिश जरूर की जा रही है। कुछ हद तक महागठबंधन को लेकर बातचीत भी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले महीने के फर्स्ट वीक पे महागठबंधन के जो संभावित दल हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वे हेमंत सोरेन हो, डॉक्टर रामेश्वर उरांव हो, इसके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, तो उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही वो हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव से मुलाकात करेंगे। तो एक कोशिश उस स्तर पर भी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राकेश वही बता रहा हूँ, अभी ये कोशिश हो रही है कि महागठबंधन में जाए या ना जाए, इस पर थोड़ी स्पष्टता हो। वो कोशिश कर रहे हैं कि मिल बैठे, बैठ कर एक रणनीति बना लें, लेकिन दूसरी तरफ आप जाएं, आप, मैं देख रहा हूँ पलामू में सीएम ने उज्ज्वला दीदी प्रमंडलीय सम्मेलन में वो वहाँ पहुँचे, वहाँ 25,232 लोगों को नया एलपीजी कनेक्शन और 10,232 लोगों को दूसरे रिफिल की सौगात दी गई। ये बहुत सीधा एक कनेक्शन है लोगों का। आप नारे देंगे, आप बताएंगे कि सरकार कहाँ विफल रही या नहीं रही, और दूसरी तरफ सरकार वो कर रही है जो सीधा कनेक्शन, सीधा संवाद होता है, वो लोगों से कर रही है। इसका कोई तोड़ विपक्ष के पास है क्या? नहीं, देखिए फिलहाल विपक्ष के पास सरकार की इन योजनाओं को लेकर ऐसा कोई तोड़ नहीं है। सीधे सरकार जो है लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, योजनाओं के माध्यम से हो या फिर संवाद के माध्यम से हो, लगातार लोगों के बीच में ये कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश की जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है, वो आपके हित में है, केंद्र से लेकर राज्य तक एक सरकार है और वो जनता के हित में है। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने की लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उनको पता है कि ये चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचेंगे तो उसका लाभ उनको वोट के तौर पर मिलेगा। तो इसका काट फिलहाल विपक्ष के पास नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार की इन योजनाओं को कैसे वो काटे। हाँ, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको ज़रूर विपक्ष अपने स्तर से गिनाने की कोशिश कर रहा है, भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब लोगों तक चीज़ें पहुंचने लगेंगी, अगर आपको एलपीजी मुफ्त मिल रहा है, मकाने मुफ्त मिल रही हैं, शौचालय मुफ्त मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर एक जो लगाव है, एक जो अट्रैक्शन रहा है बीजेपी को लेकर, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मैंडेट मिला उसके बाद से बीजेपी का कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। जो विपक्ष की कोशिश है राकेश, विपक्ष की जो कोशिश है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर से पुनर्जागृत करने की कोशिश है, या वाकई वो लड़ना चाहती है, वाकई वो लड़ाई में आना चाहती है? क्योंकि जो अभी तक का माहौल है उसमें सिर्फ ये दिखता है कि विपक्ष कुल मिलाकर अपने सोए हुए कार्यकर्ताओं, या हम कह सकते हैं हार के बाद एक गिरे हुए मनोबल के साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनको खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अभी वो जीत हार की लड़ाई में कहीं दिखती ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिलहाल कोशिश वही की जा रही है कि कैसे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, जो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार गिरता हुआ नज़र आया, उनका मोराल डाउन है, उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, ये कोशिश फिलहाल विपक्ष के तरफ से की जा रही है। लेकिन वो सीधे सीधे लड़ाई में बीजेपी को कैसे मात देंगे उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। महागठबंधन को लेकर एक कवायद थी, वो भी आधी अधूरी नज़र आ रही है। उसको लेकर भी जो चीज़ें हैं, जिस दिशा में बढ़नी चाहिए थी, वो चीज़ें उस दिशा में बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिखराव है और इसी बिखराव को बीजेपी समझ भी रही है और उनको लग रहा है कि यहाँ से अगर आगे बढ़ा जाए, और जिस मजबूती के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, उनका पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, मिशनरीज है, इसके अलावा सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचाने की जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कवायद कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि 65+ का आंकड़ा बेहद आसानी से छुआ जा सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री बेहद कॉन्फिडेंट हैं और अब 80+ का वो नारा दे रहे हैं। चलिए, पलामू में उज्ज्वला दीदी प्रमंडलीय सम्मेलन हुआ, हम उसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हम कहेंगे कि वो रिपोर्ट तैयार रखें और वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। ये जो सीधा कनेक्शन है, ये जितना सीधा कनेक्शन है उसका क्या कुछ फ़ायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे हम राकेश से। पहले वो आप रिपोर्ट देखिए जो उज्ज्वला दीदी प्रमंडलीय सम्मेलन जो पलामू में हुआ, वो और उनकी भूमिका आप समझिए, जो समाज में वो उज्ज्वला दीदी पहुंचेंगी और उससे जो मैसेज जाएगा वोटर्स तक, वो किस तरह का जाएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम राकेश से चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नीयत साफ हो तो नीति अच्छी बनती है। इसी का एक उदाहरण उज्ज्वला योजना है, जो महिला सशक्तिकरण में सहायक है।
नड्डा मेदिनीनगर में आयोजित उज्ज्वला दीदी सह अतिरिक्त रिफिल वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने आप में अनोखा है, इससे सरकार की नीयत और नीति का पता चलता है। पहले गैस सिलेंडर पर राजनीति होती थी, लेकिन 2014 के बाद 2019 में गर्व से कह सकते हैं कि उस स्थिति में बदलाव आया है। जब मोदी जी बोलते थे कि डबल इंजन लगाओ, तो आपको शायद समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन आज वो जमीन पर उतरा हुआ हमको दिखता है। मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया तो रघुवर जी ने चूल्हा भी दिया और साथ में रिफिल भी दिया, और बाद में कहा कि डबल इंजन की सरकार आ गई है इसलिए डबल रिफिल भी ले लो। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की, आप समझिए, सही व्यक्ति को सही पार्टी को सही समय पर सही जगह पर बैठाने का क्या अंतर होता। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नया भारत नया झारखंड तभी बनेगा जब राज्य और देश की नारी शक्ति सशक्त होगी। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर प्रदान किया और ये सब डबल इंजन की सरकार से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट नीति से काम कर रही है। शक्ति का पुंज है और ये शक्ति समाज की शक्ति है, और इस शक्ति को हमारी सरकार सहयोगी बनानी। ये जो परिवार की शक्ति है, जो समाज की शक्ति है, हमारे प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्र की शक्ति बनाना चाहते हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 50,000 पाइपलाइन में, इस तरह सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास, सबका विकास, ये जितनी योजनाएं में मोदी सरकार या हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं। अगर गरीब मुसलमान बहन है तो उनको भी घर मिल रहा, उनको भी LPG गैस सिलेंडर मिल रहा, उनको भी आयुष्मान भारत मिल रहा। ये मोदी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने LPG कनेक्शन लेने की राह को सरल बना दिया है। पूरे देश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुआं रहित ईंधन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर सरकार का खास फोकस है। योजना एक योजना मात्र नहीं है, यह योजना एक संवेदनशील हृदय को प्रतिबिंबित करता है कि देश का नेतृत्व करने वाला एक परिवार व्यक्ति समाज के बारे में कैसे चिंता करता है। उज्ज्वला दीदी सम्मेलन में 2,500 से अधिक नए लाभुकों को गैस कनेक्शन और 10,000 से अधिक लाभुकों को दूसरा रिफिल दिया गया। इसके अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया गया। अविनाश कुमार, न्यूज 11, पलामू। राकेश, क्या इसका कोई जवाब है विपक्ष के पास? जिस तरह से जितना एग्रेसिव तरीके से सरकार इस बार चुनाव में उतर रही है, रघुवर सरकार, विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है और उस चुनौती को विपक्ष समझ भी रहा है, लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि लोकसभा का जो सियासी मिजाज था वो अलग था, ये विधानसभा का चुनाव है, लोकल इश्यूज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो उनको लगता है कि चीज़ें थोड़ी उनके पक्ष में है, चीज़ें थोड़ी आसान है और लड़ाई में कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार इस चुनाव में तो है, ये मानकर विपक्ष चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है या जो केंद्रीय नेतृत्व BJP का हो, आपने देखा होगा कि 2 दिनों के प्रवास पर जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं JP नड्डा थे, लगातार उनका कार्यक्रम हुआ, चाहे लोहरदगा में हो या फिर पलामू में हो, तो संगठन को कैसे धारदार करना है, कैसे मजबूत करना है और जीत को लेकर क्या गुण मंत्र हो सकते हैं, तो तमाम विषयों को लेकर JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ चीज़ों को साझा किया है। तो एक कॉन्फिडेंट BJP के कार्यकर्ताओं में, BJP के नेताओं में लोकसभा चुनाव के मैंडेट के बाद से ही बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था और ये चीज़ें अब और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष, वही मैं फिर से कहना चाहूँगा कि विपक्ष को लगता है कि वो लोकसभा का चुनाव था, सीधे जो लोग थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव है और स्टेट की कई सारी इशूज हैं जिसको लेकर अगर आगे बढ़ा
कहा जाए तो मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। हाँ, ये बल्कि मुझे विपक्ष का ये जो तर्क है ये बड़ा दिलचस्प लगता है। उनका कहना है कि लोकल इश्यूज पर चुनाव होंगे तो शायद तस्वीर बदल जाए, लेकिन लोकल इश्यूज क्या होंगे जिनको लेकर वो चुनाव में उतरेंगे, वो इश्यूज क्या इतने बड़े हैं कि उससे लोगों का मन सरकार से हट जाए, इसकी घोषणा आज तक नहीं हुई, आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। अभी तक, जबकि चुनाव बिल्कुल अब सामने आता हुआ दिख रहा है, अभी तक ऐसी किसी घोषणा का, ऐसे किसी मुद्दे की घोषणा विपक्ष की तरफ से नहीं हुई है, ना ये बताया गया है कि वो किस तरह से हमलावर होंगे ऐसे मुद्दों पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप चूंकि शुरुआत से देख रहे हैं विपक्ष की राजनीति को और इसलिए आपका इस चैट में रहना बेहद ज़रूरी है, कि क्या इन पिछले 5 सालों में, या हम कहें कि 4.5 सालों में, क्या विपक्ष ऐसा कोई एक मुद्दा भी लेकर आया जिससे सरकार बहुत मुश्किल में पड़ गई हो, पशुपेश में पड़ गई हो, सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ गए हो, और वो अगर ऐसा कोई मुद्दा है तब वो उसको लेकर हम सामने आ सकते हैं कि साहब देखिए ये सरकार ने किया था जिसका हमने विरोध किया और जिसकी वजह से सरकार को ये करना पड़ा और आप ऐसे सरकार को हटा दीजिए, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा क्या पिछले 4.5 साल में या कहें कि 4.5 साल में आपको दिखा था क्या? नहीं, देखिए CNT SPT का मुद्दा जो था वो काफ़ी गर्म रहा है झारखंड में और झारखंड की सियासत कहीं ना कहीं उसी के आसपास रही है। सरकार ने उसे बदलने की कोशिश भी की थी लेकिन विपक्ष का भारी दबाव था, विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष आंदोलनरत था, जिसके बाद सरकार को अपने ही फैसले पर बैकफुट, आप कह सकते हैं बैकफुट पर आना पड़ा था। तो वो एक बड़ी जीत थी विपक्ष के लिए। अब उसी को लेकर विपक्ष जो है, खासतौर पर अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो आगे बढ़ रहा है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उस खास कम्युनिटी के बीच जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनके बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि धारा 370 के बाद अब जो केंद्र सरकार की कोशिश है वो CNT SPT Act को ख़त्म करने की है। तो इस बात को लेकर, इन चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है, खासतौर पर JMM की अगर बात करें तो JMM बढ़ रहा है, लेकिन वो एक पॉकेट जो वोट बैंक है उनका, उनके साथ ही ये चीज़ें लागू होती है, आम जो वोटर हैं उनके साथ ये चीज़ें लागू नहीं होती है। तो भी विपक्ष बिल्कुल आज की घोषणा आप देखिए, आज जो जो कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, वो कहा कि अगर कोई भी बात हो, आप 370 की बात करें, कोई भी बात हो, ट्रिपल तलाक की बात करें, कोई भी बात हो, आप उज्ज्वला की बात करें, कोई भी बात हो, आप 1 रुपये में रजिस्ट्री की बात करें, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष के पास जवाब नहीं होगा और सत्ता पक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष के पास विकल्प कितने थोड़े बचते हैं। अगर वो पहले से तैयार होते, चूँकि 370 को लेकर यहाँ का विपक्ष बहुत स्पष्ट है नहीं, जबकि सब जानते हैं कि 370 को लेकर जनता का मूड क्या है, ट्रिपल तलाक को लेकर भी लगभग वही स्थिति है। जिन मुद्दों पर विपक्ष अभी रणनीति ही स्पष्ट नहीं कर पाया हो, वहाँ पर अगर वो सारे मुद्दे लेकर BJP अपनी खासियत बताए, उसको अपनी ताकत बताए, तो आखिर जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए इन मुद्दों के साथ BJP आगे बढ़ रही है, इसका कोई कार्ट विपक्ष के पास है नहीं। एक जो कार्ट नज़र आता है, एकजुटता, आपसी एकजुटता, अगर उसके साथ विपक्ष आगे बढ़ता है तो शायद BJP को थोड़ी बहुत चुनौती दी जा सकती है, वरना हाल लोक विधानसभा का भी वही होगा जो लोकसभा के दौरान हमने देखा था। तो एक कवायद उस स्तर पर ज़रूर की जा रही है कि कैसे तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनको एक छत के नीचे एकजुटता के साथ लाया जाए, लेकिन हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान में 14 सीटों को बांटने में विपक्ष को पसीने छूट गए थे, नाराज़गी सामने आई थी, पार्टी के अंदर में भी नाराज़गी थी, कई नेता रूठ गए थे जिनको महीनों लग गए मनाने में। तो 14 सीटों के बांटने में जब हालात ऐसे थे तो यहाँ तो 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों को अगर 3 या 4 दलों में बांटना पड़े तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि महागठबंधन को लेकर चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ नहीं रही है। तो दोहरी चुनौती है विपक्ष के सामने, एक तो सरकार की जो योजनाएं हैं और जिस तरीके से सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो धारा 370 का मसला हो या फिर
ट्रिपल तलाक का मामला हो, तो इन चीज़ों को लेकर एक जो कॉमन जो वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, उनके जहन में बीजेपी को लेकर जो चीज़ें चल रही है उनको कैसे दूर किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। दूसरी बड़ी चुनौती है कि एकजुटता की बात कही जा रही है, वो एकजुटता कैसे लाई जाए, कैसे महागठबंधन का स्वरूप तय हो और उस स्वरूप के साथ अगर आगे बढ़े तो थोड़ा बहुत आप चुनौती देने की स्थिति में हैं। तो दोनों चीज़ें फिलहाल विपक्ष के सामने नहीं है, ना तो महागठबंधन को लेकर कोई रास्ता नज़र आ रहा है, ना उसको उस दिशा में कोई बहुत तेज़ी से प्रयास नज़र आ रहा है, और दूसरा जो सरकार की बेहद ऐतिहासिक फैसले हैं उसका ना तो विपक्ष के पास कोई काट है। राकेश, जब भी विपक्ष के प्रतिनिधियों से बात होती है वो हमेशा कहते हैं कि महागठबंधन तो बनेगा, लोकसभा की तरह ही होगा सब कुछ, लेकिन उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं होते दिख रहे हैं? नहीं देखिए, बीते कुछ महीने पहले इस दिशा में प्रयास हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए थे, उनके आवास पर बैठक भी हुई थी, उस समय डॉक्टर राजय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और काफ़ी हद तक उस दिशा में बातचीत भी हुई थी। सीटों को लेकर कुछ समय दिया गया था कि आप किन किन सीटों पर सियासी तौर पर मजबूत है, कहाँ आपका संगठन मजबूत है, तो आप एक शॉर्ट लिस्ट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ने की बात कही गई थी। उसी बीच कांग्रेस में जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिली तो उसके बाद वो कवायद भी एक तरीके से रुक गई। अब नए सिरे से फिर से कवायद की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो मंथ है उसके फर्स्ट वीक में फिर से महागठबंधन के जो संभावित दल हैं उनके बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी, आरपीएन सिंह की भी आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कल तेजस्वी यादव आए थे तो उन्होंने भी कहा कि इस बार चूक नहीं होगी, महागठबंधन के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। तो कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन वो कोशिश का वो रंग नजर नहीं आ रहा जिस रंग की अभी जरूरत है। क्या क्या विपक्ष डिले हो रहा है, देरी हो रही है उनसे? नहीं, जाहिर तौर पर देरी हो रही है, अब तक चीज़ें साफ हो जानी चाहिए, स्वरूप जो है वो बाहर आ जाना चाहिए कि आप के कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है, कौन कहाँ मजबूत है, तो इसको लेकर चीज़ें साफ हो जानी चाहिए। लेकिन जब भी विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत होती है तो उनको लगता है कि अभी समय है और अपने अपने स्तर से हर कोई अपने संगठन को फिलहाल मजबूत करने में लगा हुआ है। हेमंत सोरेन यात्रा पर हैं, बदलाव यात्रा पार्टी ने नाम दिया है, तो वो उन कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष आए हैं, वो 2 तारीख को जो है तमाम जिला अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है, बैठक है, तो कुछ टास्क दिए जाएंगे संगठन को, नए सिरे से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं का जो मोराल जो गिरा हुआ है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए। तो फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि पहले खुद को मजबूत कर लिया जाए और उसके बाद महागठबंधन को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरफ है बीजेपी जो अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, उनको आई कार्ड दे रही है, उनमें जोश भरने के जितने भी तरीके हैं वो सब कुछ, वो उनकी तमाम कोशिशें जारी हैं। ये भी प्रयास, उनको मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन मुद्दों पर उनको चुनाव में लोगों का सामना करना है। और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसमें अभी तक तालमेल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, शायद हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष के लेवल पर ही चीज़ें चल रही हैं, अध्यक्ष के नीचे जो बूथ स्तर तक जाने की बात है उसमें बहुत देरी है, पहले जिला अध्यक्ष और फिर नीचे तक पहुँचने में शायद वक्त लग जाए, तो वक्त की कमी भी विपक्ष के आड़े आने वाली है। फिलहाल इस समय की दौड़ में बीजेपी बहुत आगे जाती हुई आपको दिखेगी, इसका परिणाम क्या होगा चुनाव में, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।